अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जंग तो फिर जंग ही सही। जो पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर 9 मई के खिलाफ पर्चे काटे गए हैं, इन सब को खत्म किया जाए क्योंकि वो लोग बेकसूर हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। आप लोग भी पहले जरा अली अमीन गंडापुर के बयान की ये वीडियो सुन लीजिए। वीडियो देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। इंतकामी कार्रवाई के लिए काटी गई है, पहले तो मैं सूबे को पैगाम दे रहा हूँ, निहायत याद कीजिए, एक हफ्ते के अंदर जिसका सबूत नहीं है आपके पास। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि आप कोई भी बगैर तलाशी के केपीके में दाखिल नहीं हो सकता। मैं केपीके का वजीर आला हूं और मैं केपीके के अंदर सख्ती करूंगा और मैं ये सारे कानून चेंज करूंगा जो नून लीग वालों ने बनाए थे। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि एक फौज की गाड़ी को भी इजाजत नहीं कि वो बगैर चेकिंग के केपीके के अंदर दाखिल हो। फौज की गाड़ियों के भी चेकिंग की जाएगी मुकम्मल तौर पर। उनका कहना है कि कुरान पर हल्फ देते हैं, ना हम करप्शन करते हैं और ना हम कभी करप्शन करेंगे और ना ही करप्शन करने वालों को छोड़ेंगे। अगर आपसे कोई भी रिश्वत मांगे तो आप लोग खड़े हो जाएं, मैं भी देखता हूं कि कौन करप्शन कर सकता है मेरे होते हुए। अली अमीन गंडापुर एक बहुत ही ज्यादा पीटीआई के बहादुर कारकुनान है। वो कभी भी केपीए के अंदर कुछ भी नहीं होने देंगे। इमरान खान ने इनको वजीर आला बनाकर बहुत ही ज्यादा अच्छा फैसला किया है क्योंकि इमरान खान अपने बहादुर सिपाहियों को अच्छी तरह जानते हैं। नाज़रीन कमेंट्स बॉक्स में एक जुमला लाजमी लिखेगा। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।